26 नंबर प्रश्न करें, मोहरकेश रचित नाटक संग्रह है, यानी कि मोहरकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, तो आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि 26 का राइट आंसर डी होगा, आषाढ़ का एक दिन। 27 नंबर प्रश्न करें, कौन सी रचना जो है वो मोहरकेश की इनमें से नहीं है, यानी कि नहीं है, तो पहले देखेंगे कौन कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन करें ए एक और जिंदगी, यह मोहरकेश की है, अंधेरे अंधेरे बंद कमरे यह भी मोहरकेश की है, लेकिन इतिहास और आलोचना मोहरकेश की नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना, यानी कि प्रश्न पूछा गया था हम लोग से कि कौन सी जो रचना है वो मोहरकेश की नहीं है, तो इतिहास और आलोचना नहीं है, यानी कि 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना। 28 नंबर प्रश्न करें, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 29 नंबर प्रश्न करें, मोहरकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी कि मोहरकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो ए नंबर ऑप्शन करें रोज, बी नंबर देखिए रोज किनका है, अज्ञेय जी का, यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वास्तव अज्ञेय का है, और बी नंबर कर है सिपाही की माँ, तो बस मोहरकेश का यही ना है सिपाही की माँ, यानी कि प्रश्न हम लोग से पूछा गया था कि मोहरकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो सिपाही की माँ है, यानी कि 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा सिपाही की माँ। 30 नंबर प्रश्न करें, प्रगित और समाज के लेखक है, ए नंबर ऑप्शन करें बालकृष्ण भट्ट, जो कि बालकृष्ण भट्ट क्या है आप बताइएगा, बी नंबर ऑप्शन करें जयप्रकाश नारायण, सी नंबर ऑप्शन करें नामवर सिंह, और डी नंबर ऑप्शन करें उदय प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि हम लोगों से पूछा गया था प्रश्न कि प्रगित और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो नामवर सिंह होगा, सी होगा।